गाइस कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल एचक्यू बॉलीवुड न्यूज में और मैं हूं हारिस कुरेशी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक टोंग योंग नाम का एक बंदा है जो पता नहीं उसे मेरे चैनल से क्या प्रॉब्लम हो रही है, अजीब अजीब कमेंट्स कर रहा है। और मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि आईनॉक्स ने जो है पठान का पोस्टर जो है रिलीज करा, उससे पहले उसका मैंने कमेंट देखा था, वीडियो बनाने से पहले उसका कमेंट देखा था। तो वो लिखा रखा था उसने कि अब तुम ये कहोगे कि आईनॉक्स ने पठान का पोस्टर रिलीज करा है। तो भाई नहीं कहूँ, नहीं तू क्या चाहता है, नहीं कहूँ। आईनॉक्स ने पठान का पोस्टर रिलीज करा तो तू क्या चाहता था कि मैं ये बात नहीं बताऊँ अपने फॉलोअर्स को जो मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जिन लोगों को मैं अपडेट देता हूँ शाहरुख खान की, उन लोगों को क्या ये चीज़ नहीं बताऊँ? तू बता। और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जाके जो तेरे, अगर भाई तेरे तुझे इतने पैसे मिलते हो कि तू आईनॉक्स में फिल्म देख सकता है, इतने पैसे मिलते हो अगर तुझे, तो जा अपने बराबर वाले आईनॉक्स में जाकर देख लिया, वहां पर पठान का पोस्टर ना मिले तो बात रही, ठीक है भाई? तो ये बकवास क्यों कर रहा है भाई? अगर तुझे मेरा चैनल नहीं पसंद तो जा कहीं और जा। मुझे नहीं ये बात समझ में नहीं आई कि अब तुम तो ये कहोगे कि आईनॉक्स जो है पठान का पोस्टर रिलीज करेगा अब। अरे भाई जो चीज हुई है वो कहूंगा नहीं क्या? ये मना कर दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, आज की अपडेट बता देता हूं। अपडेट ये है, जो राजकुमार हिरानी की फिल्म है उसमें तापसी पन्नू भी आ गई है। अगर वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं पता तो ये बता देता हूं, उस फिल्म की तापसी पन्नू हीरोइन रहेंगी। शाहरुख खान के साथ ये फिल्म होने वाली है, तापसी पन्नू की पहली फिल्म होने वाली है। इससे पहले बदला में काम कर रखा है तापसी पन्नू ने, जो शाहरुख खान के प्रोडक्शन की कंपनी, जो शाहरुख खान के प्रोडक्शन की फिल्म थी उसमें काम कर रखा है। अब शाहरुख खान के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगी तापसी पन्नू। और कन्फर्म, 101% कन्फर्म कि पठान के बाद शाहरुख खान सर की ये वाली फिल्म होगी, राजकुमार हिरानी की फिल्म होगी। और इसकी जो शूटिंग है वो जून जुलाई इसी साल से स्टार्ट भी हो जाएगी। और इसकी शूटिंग ऐसी रहेगी कि कभी पठान का शेड्यूल हो गया, पठान से टाइम मिल गया, आ गए तो राजकुमार हिरानी की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल कन्फर्म है, 101% कन्फर्म हो चुका है ये कि राजकुमार हिरानी की फिल्म बनने जा रही है। लास्ट जो मैंने अपडेट दी थी राजकुमार हिरानी की फिल्म की, कि स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, सेकंड हाफ किसी को पसंद नहीं आया, राइटर या एक्टर्स में से किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन अब दूसरा जो सेकंड हाफ है उसका लिख दिया गया है और स्क्रिप्ट जो है लॉक्ड हो गई है, शूटिंग के शेड्यूल बन गए हैं और जून जुलाई के महीने से शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा रह करेगा कि पठान की शूटिंग खत्म तो ये वाली शूटिंग चालू, इसका शेड्यूल खत्म तो पठान की शूटिंग चालू, यानी कि सर जो हैं वो बहुत बिजी रहने वाले हैं इस साल। कभी वो पठान की शूटिंग करेंगे, कभी राजकुमार हिरानी की फिल्म की शूटिंग करेंगे। आप लोगों को अभी तक नहीं पता तो बता देता हूं कि सिख कैरेक्टर, जो सरदार जी का कैरेक्टर, शाहरुख खान सर इस फिल्म में करेंगे। और ये फिल्म इंडिया और कनाडा, पंजाब, इस पर बेस्ड होगी, इमिग्रेशन पे बेस्ड होगी ये फिल्म, इमिग्रेशन का मुद्दा उठाया जाएगा और तापसी पन्नू इसमें लीड में दिखेंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और पर्सनली मेरे हिसाब से तापसी पन्नू जो हैं बेस्ट चॉइस हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक तरफ कर दें बड़े एक्ट्रेसेस को, तो अब हमें किसी न्यू का चेहरा देखना है तो तापसी पन्नू एक नया चेहरा है। अगर बात करें कि कुछ दूसरी एक्ट्रेस की, तो वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं अब शाहरुख खान सर के साथ, तो हमें भी नए चेहरे देखने की आदत है, तो तापसी पन्नू एक नया चेहरा रहेंगी। प्लस नए चेहरे के साथ साथ उनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो भी बहुत ही परफेक्ट है और वो बहुत अच्छी लगेंगी शाहरुख खान सर के साथ। ठीक है गाइस, कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? होप अच्छी लगी होगी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहें एचक्यू बॉलीवुड न्यूज़ के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराते जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय। और खुद ही मैं लेट हो गया हूँ, ये वीडियो एक दिन पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों को बता चुका हूँ मैं कि काम वाम में इधर उधर रहते ही है, तो थोड़ा सा भाई पेशेंट्स भी बढ़ते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।